की फतेह। आप मुक्त मुक्त करें संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आओ सुभागा समा, ये पावन धरती उदासी डेरा खूही साहब नगर कूली कलां दा, जिस धरती उपर अमृत वेले दियां पहलियां किरणा उस पावन धरती का संदेश और नूर लेके आउंदियां हन, जिस धरती ते 20वीं सदी के अवतार धन धन संत बाबा अतर सिंह महाराज के चरण पए और उन्होंने बचना अनुसार जिथे संत खालसा प्रकाश होया सर्वधर्म प्रकाश, अज इन्हां दी कृपा नाल कुरुक्षेत्र की धरती विखे सर्वधर्म पीठ की रचना हो रही है। ऐसे महापुरखों के ओ बहुत ही सत्कारयोग मामा जी देश भगत जिन्हां ने इस नगर नूं नाम की रंगण चाढ़ी। आओ अज उस चीज़ नूं अगे ले जांदे होए महापुरश अपार बख्शिश है इस नगर दी संगतां ते सारियां ते इस स्थान के श्री महंत संत बलजीत दास जी, ज्ञानी जगदीश सिंह जी, समूह संगत नगर पंचायत सारे दे मिलाप का सदका महाराज जो सालाना समागम बख्शिश करते हैं पाँच दिनों का, इस साल भी पाँच दिनों का समा बख्शिश होया है। अज पहले दिन का आनंद माणन वास्ते संगत आईया ने। आओ सरबत संगत वालों प्रबंधकों वालों महाराज जी ने जिया आखते हुए महाराज के परम चरणों सिनवर बेनती करिए कि महाराज अपने उच्चे सुचे वास आसन से सुभावान होकर खुले दर्शन दीदार और अमृत भी बचना द्वारा संगत को निहाल करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। प्यारे जी मेरी इत्थे कोई चीज कोई चीज ना
अरे जी मेरी ये ते कोई चीज ना। कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा वीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं जब आपा पर का मिट गया, जब आपा पर का मिट गया, जित देखा तित तो प्रीतमा मेरी ये ते कोई चीज। वाहिगुरु मेरी ये ते कोई चीज ना, सुन ही चुके हो तो पता भी है कि
भगवान श्री चंद्र महाराज उदासीन परम दयाचार्य बहुत बड़ी गल गुरु नानक करनाल गुरु नानक सपुत्र और अवधूत पूरन पुरख कल भी आपने कुछ संगत से सजी है रूड़ियाला साहब विखे कि बाबा जी किस शक्ति दे अवतार सन जिन्हां दे नेत्र कम करदे ने दिव दृष्टि होवे अनुभव होवे के किहदा अवतार आए ने ये उन्हां वास्ते है जिन्हां नूं भगती दे ज्ञान दे प्रकाश नेत्र मिलेंदे ने ओयों उन्हां दे कीते हुए शुभ कर्मां विच कर्म जो किसे वास्ते कर्म करना है तो हजूर ने कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णो का नेचल परम ये कर्म पर बाकी देखने विच कमाई दी गल कि फलाने अवतार आ कुछ कर्म कर देसी ये अवतार रूप रूप की वही कम कर रही है उना वर्गे गुण हन उना वर्गा तेज प्रताप है तो थो अनुमान लाते ने यह कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं किताबी ज्ञान नहीं जिन्हों आम कहने अटा सटा मेरा भी चाह है भी ये फलाने इस तरह तो गुरु नानक पुत्र भगवान गोरख अवतार प्रमन्न हुए हुए कल दे विचार विच कोई शिव जी अवतार कहना है शिव तो फिर पार्वती नाल सी इन्हां नाल तो पार्वती है नहीं सी बहुत साधु संत लोग जेड़े उदासीन डेरिया लेख लिखते ने वो इस तरह आपका अनुभव थोड़ा बहुत लिख दिए शिव जी के अवतार से शिव वांग भगती की कल सुने के जो संन्यास धर्म के अत्रा ऋषि के पुत्र तीन हुए माता अनसुआ जी उन्होंने साथ देंदे सी दुर्वासा ऋषि और उन्हां दे नाल ही जिन्हां नूं असीं बहुत कमाई दे स्वामी दत्तात्रेय अवधूत शब्द भी पूरन पुरख दा है ये शरीर दी शुद्धि तो शरीर तो उत्ते अवस्था रहिंदी है गुरमत दे विच है कि पूरन महापुरख दी निशानी जिन्हां स्वास ग्रास ना विसरे हर नामा मन मंत तन से नानका पूर्ण सोई संत के जिन्हां उतरदा स्वास चढ़दा है इस तरह सिमरन उमंग सोहंग वाहिगुरु शब्द का चलता रहना है वो पूर्ण संत है अवधूत नूं भी पूर्ण संत कहा जाता है साधुआं दे सिद्धां दे नाथां दे मत विच तो इस तरह एडी कमाई का मालक के संसार विच देखते हैं साईं लोग फकर लोग फकीर नाम जपण वाले मजहबां की गल पिछे रह जाती है तो एक रस्ता है हुण आपां जिहड़ी मंजिल ते पहुँचना ची पहुँच चुके सारा रस्ता अपने घरां तों स्थानां तों टिकाणे तों पिछे रह चुके हैं हुण जिहड़े शरीयत लोग मतलब शरीयत धर्म दे विच आ गए गुरु पीर दी हद विच आ गए तरीकत फिर वो नितनेम करते ने नित कर्म करना बारह बारह साल परपक रहने वास्ते दूसरे उस तो भी अगे उपासना कांड है बारह साल पक्के हो गए धर्म विच कि मैं पंज रहता जिस तरह सिख धर्म दे अंदर हन चार बजर कुरैता तो बचना ते पंज दा मैं धारणी हाँ इहदे विच मैं तिल मात्र भी फर्क नहीं पैण दिता फिर नितनेम विच भी परण है जैसे सूर्य नारायण चंद्रमा आदिक अपना समा व्यर्थ नहीं गवाउंदे कुताही गलती भी नहीं करदे कि अज मैं नहीं चढ़ना अज ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है धुप है या जल है या बर्फ पई है नहीं उन्हें अवशमेव ऐ पकड़ियाँ देखते रहने घड़ी भी खड़ जाती है कभी
पर वो नहीं खड़े इनू कर्म परिपक्व अवस्था का धारणी कहा गया कर्म उपासना अगे आओ धर्म तो शरीयत तरीक हकीकत नाल बुलाते जाते कर्म विच पक्के ने फिर उपासना भगती नू कहा तरीक फारसी के शब्द नाल इस्लामत विच भी यही है कि जेड़ा मैं धर्म धारण किया मद्देनजर रख दे कर्म विच पक्के हो के धर्म के इस वेले मैं उठना नितनेम करना ही करना है लखा सर्दियाँ होन लखा चक्कड़ छांगी मीह वरस दे होन मैं अपना नित कर्म नहीं छड़ना गर्मी होवे छे वस्तुआं आउंदियां तरीकतां वास्ते ते मैं ये नहीं छड़ना गर्मी है अत हो जाए सर्दी है भुख भी है किसी वेले भोजन नहीं मिले कितने कितने दिन ना मिले फिर भी बेपरवाह होके अपने नित कर्म ते अरूढ़ रहे अरूढ़ नाम सवार रहे भुख और प्यास कोई परवाह नहीं दुख और सुख छे वस्तुआं परमात्मा पुरुष नितनेमी पुरुषो परमात्मा लोगो सब दे वास्ते ही है मैं सिख्या तो नहीं कहता मैं कड़े सिख्या दे रहा जस कर रहा मैं उपमा करदा उन्हां सतपुरखां दी जिन्हां ने कमाई कीती है अगे आ गई मार्फत जिस नूं असीं कहा ज्ञान ज्ञानानंद अवस्था ज्ञान खंड जपजी साहिब विच पंज खंड आउंदे ने कर्मखंड सर्मखंड धर्मखंड ज्ञानखंड ते सचखंड पंजवां निरंकार दा देश है कि तेरे पास आ गया मेरे ख्याल जे विच इक दिन भी नहीं अज दी ये गल वैसे मैं जब तैयारी कर रहा हूँ पहले ये तो कई सरदार साढ़े आ पहुँचे ने उस वेले मेरे मन में आया मैं कह रविवार ने तो सट को मक्का खिंच लिया सी कोई साढ़े विच सिख ऐसा है जेड़ा हजूर साहब नू कोल ले आवे कोई ऐ जा सिख तो नज़र नहीं आया पर हाजरा को हाजर है कोई सिख देखिया है जेड़ा कह दे ननकाणा साहब मेरे कोल आ गया मैं इन्ना प्यार उन्हां नू उड़ीकदा सी रविवार दे पास तो सट को तो मक्का चल के आ गया कोई ऐसा सिख है फुटलाइन मैं अपने आप की गल करदा अज दी ए फिर मैं कह जे मैं ये गल कह दिती मेरे नब्दे ना लड़ पैण किते वो किते नहीं जांदा सचखंड किते नहीं गया ननकाणा साहब किते नहीं गए तखत तेरी अंदरली भावना जिहड़ी है ना इहना वो रब नूं भी मनना पै जांदा है किते तू ए किते जिन्हां दी उपमा कीती सोहर कहा सो करके हा जित वह सर्ब संभाले कल ही निश्चिंत किया है सवाल का कि असी रब न मिलन चले हाँ कि तेरे को रब चल के आ गया है ये कल दे दीवान विच रोड़े वाला साहब हल किया समझो शंका को सवाल कि तेरे को भी रब आया है हाँ अरशा कुरशा दे मालक न जड़ा अरशा कुरशा का मालक है तख्तां दे मालक नूं कदे फर्शां ते बहना पै जांदा है वो आ जांदा है रब नूं भी मनना पै जांदा है रब नूं भी मनना पै जांदा है रब नूं भी मनना पै जांदा होवे अरदासां संतां दा रब नूं भी मनना पै जांदा होवे अरदासां संतां दा
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ जना पुटन उस वंश दिया जेड़ा करे तमाशा संतां दा रब नू भी मंगना चा पूरी होवे हर दिल दी चा पूरी होवे हर दिल दी चा पूरी जो तके प्रवासा संतां दा रब नू भी मनना देखो रब दी गल आप कै भगवान ते ब्रह्म बाणी गुरबाणी भगत बाणी विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेरी बंद ही भगत छड़ावे बंद है भगत न छूटे मोहे बंद ही दा अर्थ है मर्यादा जो मैं अपना विधान कुदरत दी तौर ते शुरू कीता है उन्हों मेरे प्यारे भगत मेरी नियमावली नूं तोड़ दिंदे ने जेड़ी ओ मर्यादा रख देन जो पुछो कर देन उन्हां दी कीती होई नूं मैं नहीं मोड़दा की फर्क होया फिर गुरु साहिब जी ने फर्क कोई नहीं हर जन हर दोए एक है बेबे विचार कुछ ना ही कोई फर्क तो नहीं विवेक ब्रह्म रब बेबदार्थ है विवेक ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो जिन्होंने उपासना पूरी कर ली भगती मंजिल अपना रास्ता तय चल छेती चलो 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 भगती पूरी हो गई आ ज्ञानानंद अवस्था चौथा पहुँच गए कई दफ़ा आप कहने के महापुरख बड़े पहुँचे हुए ने कि तुसी मैं भी नीक जे कमाई कर दे तो आप भी पहुँच जाने जो जिन्हों ने हुण सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मल नौ सुने मने ते फिर अमल कीता मन के उन्हां दे बेड़े पार होणगे सचखंड वसै वो निरंकार नूं मनना पैंदा है एक मैं प्रमाण दे रहा साखी प्रमाण रूप ऐसे महापुरखां दा पूरन पुरख इस नूं और खुदाई बंदे रब दे बंदे आप सारे ही हाँ वैसे तो ये कितना प्यारा हो गया जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा उसका प्रेम सारिया के दिलों में बस जाता इस आनंद विच पहुँचे हुए फकर फकीर साधु संत भगवान श्री चंद्र महाराज का और इतने अवधूत बाबा चरणदास जी मस्ती जी विच रहना उन्हों का बहुत बचपन तो मैं देखता रहा बाबा जी उन्हां दे गुरुदेव हीरा दास जी बोला जी बाबा बोला संत है चलो फकरां फकीरां कोल ऐसे बालके दा पढ़ना माता पिता भी धन ने गुआंढी ने अच्छी आपदी सेवा करके कोई पिछला कर्म जदों किसी भी प्राणी दा जागदा है उन्हूं कहा गुरु साहिब ने पूर्व कर्म पूर्व नाम जो बीत चुके है भूतकाल समय रह जाए उहदे विच कोई लेख लिखिया सी चंगी कमाई कीती
उस कमाई का बदला उन्हें किसी फिर पूर्ण महापुरख की संगत प्राप्त होंगी है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, ये तो ज्ञानानंद वास्ते अगे रब ते उहदे विच फर्क की होया सच खंड का, जिहदे सच का आनंद सत दा सच दा, जिथे सच दा आनंद आ गया, ब्रह्म दा आनंद आ गया, वो निरंकार सचखंड वसै निरंकार। बोलिया रब ते तो वख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। देखदा देखना की जिहड़े पहुँच गए ने, मैं उन्हां वास्ते बोलदा सी वी रब भी मिलदा। रहवां दा मैं एक प्रमाण दित्ता है तो उसके वास्ते मक्का सटको तो क्यों आया चल के, साड़ी क्यों नहीं सुनता, बथेरिया अरदासा करते हैं, साड़ी अपनी कमी है जिहड़ी उत्थे तक पहुँचने दिंदी है। साड़े विच दोष ने जिहड़े दोष सानू निर्मल नहीं होण दिंदे, उसकी प्राप्ति नहीं होण दिंदे, वो साढ़े को चल के नहीं आता। ये साड़ी अपनी घाट है, वो घाट नहीं, उत्थे सब कुछ साचे साहबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है। केड़ी शक्ति नहीं तेरे घर, एक एक रोम बिच करोड़ा खंडा ब्रह्मांड रचे पे ने, एक एक रोम दे अंदर बाबा आदम को कुछ खबर दिखाई, तिन पी पेस्त कनेरी पाई। पहला बंदा खुदा दा आदम इस्लाम मत विच, सनातन च ब्रह्मा जी है। हुण असीं कहांगे सिखां च कौन आया, तो बाबा नानक साहिब जी कह देंगे। पहला बंदे नहीं आए थे, असीं सांझ नहीं पाउंदे। राम किसे दा नहीं सी, कृष्ण भगवान किसे दा नहीं सी, वह भी तुहाडा ही सी। वासदेव किहदा सी, किसदे वास्ते आए सी? सिर्फ असीं लोग हाँ, एक पक्षी लोग हाँ, शरीयत लोग हाँ। शरा भी क्या है दे बोली दा है भी, ते लखां ही पाबंदियां तेरे जूड़ बंधन बेड़ियां पाई बैठे ने। शरा दे कैदी अपने आप ही कैदी, मैं सिखा मैं हाँ मैं हाँ, नहीं तू मैं ता न संभव है। एक ब्रह्म द्वितीया नाश्ती ए अर्जुन, ना तू है ना मैं हाँ, अपने दोनों दे सामने विचकार एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। मैनू भी भेजिया तो तेनों भी भेजिया उसने, वो पहचान करो। जिन जाता सो तिस ही जेहा, भेद न जानो मानुष देहा। तो निरंकार की गल हाँ, रब की गल कि वो साड़ी सुनदा नहीं, सद सुनदा सद वेखदा। पहुंचया होयां दी उस्तत महिमा वड्याई सुन रहे भगत कबीर जी। कबीर जात जुलाहा क्या करे, की करिए, कोई गल नहीं। हृदय बसै गोपाल, बलिहारी इस जात को जय जप्यो सिरजनहार। नीच कुला जुलाहरो पयो गुनी गहीरा, क्या कमाल सी। एक होछी जी जाति कहना, होछी मत, ऐसी तरह भगत रविदास जी कह, होछी मत मेरी जात जुलाहा। भगत कबीर जी का कैसा, होछी जी साड़ी तो जाति है, होछे जे ख्याल ने, ऊने ऊँ गल्लां मारी जानिया, बिच कुछ होवे ना। जात जुलाहा क्या करे, हिरदे वसै गोपाल, बलिहारी इस जात को जय जप्यो सिरजन हार। सृष्टि दा राजक पालक लय कारक, सब दे विच समाया, सब नू आप दे विच समा लेंदा है। ऐसे हर के संग वसें से हर के लोग, वो दुनिया दे लोग ना रहे, वो दुनिया दे बंदे नहीं रहे, जिहड़े सदा हरी नू याद करदे ने हर हर करते। तू तो करता तू हुआ, तू ही बन गया, जिहड़ा कहसी तू ही निरंकार। एक तू ही निरंकार, वो तो तू आप ही लुकिया छिपिया रब है। तो मैं एक तो पहली पहचान भी चल के आया, साड़ी कमी है किसी ननकाणा साहब घर आके दर्शन दे दे, दुनिया के लोग हैरान रह जान।
ਅਤੇ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਖਰਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਏ ਸਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਖਿੱਚੀ ਨੇ ਐਸੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮੰਗ ਇਹਦੇ ਕੌਮਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾ ਆਮ ਬੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਤ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕਵੰਕਾਰ ਬੀਜ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੋਜ ਕਰੋ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਐਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬਣ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਇਲਮੀ ਬਣਿਆ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਮੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜ ਹਾਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਰੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਿਆ ਹਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹੀ ਲੋਕ ਔਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਡੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਾਜੀ ਅਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀ ਅਜੇ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਿਆਈ ਛਾਂਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਵੇਂ ਫਤਵੇ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਐਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਤੁਰਿਓ ਆਓ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਂਧਿਓ ਰਾਈਓ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਹਜ ਹਾਵੇ ਹਜ ਕਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ ਕਾਵੇ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੜੇ ਆ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 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 ਗਿਆ ਹੋ ਹੋ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤੋ ਹੋ ਹੋ ਕਰਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਹੋ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤੋ ਹੋ ਹੋ ਕਰਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਆਨੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ
तू किनू दे रहा है? तेथों खुद आप मालिक जी नू मिलन आया सी, ओ मंगदा कि मंगते मंगदे ने। उत्थे भी दिल कायम ना रहा, हो गया, हो करदा, मैं करदा हो मैं विच। सतवां श्लोक भी है, धारणा भी पढ़ लो, चलो कोई थोड़ी सी आनंद माण लो। ओ जमदा ते मरदा फिरदे गौमें दा पटिया, जमदा ते मरदा रे गौमें दा पटिया होया। जमदा ती मरदा फिरदे गौमें दा पटिया होया, जमदा ती मरदा गए गौमें दा पटिया होया। मरदा फिरदे जमदा ते मरदा फिरदे, जमदा ते मरदा फिरदे, जमदा ते मरदा फिरदे। जमदा ते मरदा है होमें दा पटिया प्राणी, जमदा ते मरदा फिरदे होमें दा पटिया होया। विच आया बौ विच, बौ विच जमया बौ विच, तो हो करते। कबीर जी कहते मैं हो सकता मेरे अंदर भी मैं सी, मैं चलिया। दूसरा अर्थ दो दफा हो के है, हो ना मैं है। बहुत दफा मैं मक्के जाया आया, बहुत दफा ऐने ही सिख धर्म के नाल सज्जन बैठे हो भी रब कितने चा। मैं दशमेह जी के दर्शन जस जरूर सुनते हैं, दस पातशाहियां का इतिहास सुनते हैं कि हजूर दे बचन किते, आखिर मैं हाजरा हजूर हाँ, हजूर साहब हाजिर हाँ। उत्थे जाने हैं किन्नी कु दफा जाया है, कि गुरु गोबिंद सिंह मिलिया है, जिन्हां नूं भागां वालिआं नूं शुद्ध हिरदा है उन्हां नूं दशमेह जी दे अवशमेव दर्शन हुंदे। महाराज ने खुद मेरे बख्शिश दाते गुरुदेव बाबा पूरन दास जी दूसरी दफा जाण लगे। हजूर साहब मखा जी आ गया है, पहली दफा जथा मेरे नाल, कहिंदे हाँ किवें चले, जाणदे की नहीं सी दर्शन करन। कहिंदे दो दफा मैं भी जाया हाँ, पहली दफा मेरे नाल आउंदे ही कबीर संतन को मिलने जाइए, साथ ना ली जाए कोई, कोई कुतर्की बंदा ना होवे शंकावादी,
या तो पहली गल है साथ लो ही ना, आपदे शुद्ध हिरदे नाल जाओ भांडे भर लो। कुतरकी बंदा ना होवे उहदे ते हो सकदा है महापुरख गुरुदेव उहदा हाल अंदरला दे के झिड़कां ही पैणियां शुरू हो जांदियां, फिर पल्ले कुछ नहीं पैंदा ले जाण वाले दे भी। साथ ना लीजै कोई गुरबाणी की कबीर संतन को मिलने जाइए, साथ ना लीजै कोई पाछै पौ ना दीजिए, आगे होए सो होए। कबीर तुलसी जी कहते तुलसी संतन को मिलने जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे फल कोटक जग समान। देख फल कितने संतां नूं मिलन दा, गुरु नूं मिलन दा तां हदा हद वध गई। परमेश्वर दे मिलन वास्ते चल तैनूं पता है कित्थे है परमेश्वर। फल कोटक जग समान मना एक कदम ते जलदा है, करोड़ां ही अश्वमेध जगां दा पुन फल प्राप्त होंदा है। अभिमान छड़ दो तज माया अभी मैं नहीं कुछ हो नहीं कुछ आहे ना मोरा। इतने ऐ कर साधु अंजलि पुन बड़ा मैं तो लैन आया कुछ देन नहीं आया। देन नू बुरियाइयां बहुत ने, बुरियाइयां इत्थे ढेरी कर दो मत्थे टेक दो बाबा अगे तो तौबा अगे तो मैनू तू बख्शे लै अपना सरूप बख्श दे मैनू तू। कई शावा लोड़ां वाले केती वार कबीर कबीर हज कावे हो गया केती वार कबीर मैं जाके मक्के पहुँच जाना। संत महाराज ने भी मैनू फिर निशानी दसी, मैं अगली पंक्ति चारथे इधर फेर करदा नाल दी नाल। कई दफ़ा गए कहिंदे पहली दफ़ा साथ है मेरे साढ़े नाल ऐसा असी दो नासक दे कुंभ तो चले गए लै गए। वो गल्लां बातां वाले सी जकड़ां मारन वाले एवें गप्पां मारन वाले सी, दर्शन ना होए फिर इकले ही गए असी। चार पहर बीत गया दिन दा, रात्रि आई आरती आरती सब कुछ हो गए। मैं अपने आप गुरु गोबिंद सिंह जी का ध्यान करके उलांभा दिता कि बाबा जी दशमेश गुरु पातशाह कि मैं साधु होने के नाते उदासीन होने के नाते मैनू तुसी दर्शन नहीं देंदे, फर्क है कुछ? तुहाडे नाल भी कृपाल दास तुहाडे मामा जी उदासी संत नाल रहे सी, युद्ध विच जूझे ने, उदासीन धर्म चलिया, मेरी कमी दसो। साईं मुझमें क्या खता, खता गलती। कबीर जी ने जिमें कहा ऐसी बाबा जी मैं दान दृष्टांत नाल प्रमाण दे रहा, कह लगे असी उलांभा देइए नींद आवे ना। वही शब्द हजारे पंचम पातशाह दा वैराग जनक संदेश पत्र का क्या है? नींद आवे ना तेरे न बिगावे ना, एक तेरे दारिश बिना नींद आवे ना तेरे न बिगावे ना, एक तेरे दारिश रैन बिहावे ना, एक तेरे दर्श बिना
प्यारे जी इक तेरे दरिश बिना प्यारे इक तेरे दरिश बिना ਇਹ ਵੈਰਾਗੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਡੀਕਵਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ? ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ ਕਾਪਰ ਤਨ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮਰੀਏ ਆਵੇ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਉੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੁਣ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਸਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਹੈ ਝਲਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲੀ ਔਰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੈਣੇ, ਕੰਤ ਨ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹਾ ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਵੇ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫ਼ਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਰਬ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਕਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨੌ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਤਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਰਦਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਤੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਜ਼ਮੇ ਕਿਆ ਖਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲ ਖਤਾ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਕਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਸ ਬਸ ਆਖਰ ਲਾਸਟ
कल इत्थे आके तेरे ते ही मुकनी है, तू ही है, तू ही है, एक तू ही वो होर नहीं किती कितने देश न आया सुनया तीर्थ पास न बैठा। तो कहन लगे मैं बहुत दफा आप दियां गलतियां थे मन्ना पर ना मिलिया। साई मुझमे क्या खता, पर अगे की गल सी मुखो ना बोले पीर। वो मक्के दा मालक पीर शक्तियां वाला जलवे दिखाउण वाला मुखों बोले ही ना, उतों आवाज ना आवे ना दिखे। फिर पड़े उतारना ये कर्म कांड धर्म की उपासना की परिपक् अवस्था दे नाल जिथे जिथे कोई कमाई अपनी करदा नितनेमी नाम जपदा बाणी पढ़दा वो अपने आप नूं तोल लियो भी ये कित्थे इक दा आनंद है। तो पढ़ियो प्यार नाल। मैं ना छड्या मक्के दा जाना रब मैनू आप मिलिया, मैं ना छड्या मक्के दा जाना रब मैनू आके मिलिया। खेती बार साई मुझ में क्या खत, कबीर हज का मैं जाना ना छड़िया भी नितनेम अपने गुरु का मार्ग गुरु का नाम ना छड़ो। सानू पहला थोड़ी जी इत्थे तसली कर लेनी चाहिए है, अडोल अवस्था बनाओ ये मार्ग छड़ना नहीं है। कबीर केसो केसो कुकी है ना सोई है एहसास, केसो ब्रह्म नूं कहे भगवान नूं कहे है कुकी जाओ दिन तू भी कूकदा रही दिन राती कदे तां पुकार सुनो। कूकदा रहे कोई गल नहीं पर हिल ना जाई, जिथे गुरु लोक महापुरश खड़ा देन आस्थर रहो डोलो मत कभू गुर कै वचन आधार। जेड़ा इत्थे खड़ जू उहदी जय जयकार हो जू, जय जयकार सगल भू मंडल ऐ सारी धरती ते खंडा मंडलां ब्रह्मंडा विच उहदा वाजे खुशियां वाले वजण वाला जय जयकार दा नारा लग जाएगा। कबीर हज का हो जाए था हुण दूसरा दोहरा आ गया। कहिंदे मैं जाए रहा सी सिरे नहीं लग्या सी रस्ते दे विच आगे मिलिया खुदाई अगों मूहरों आके रब आप मिलिया मैनू। क्या तू किथे नूं चलिया कि मैं रब नूं मिलने चलिया, मैं उही हाँ जिहड़ा मक्के दा मालक हाँ। सियाण है परसों दा ही साडा प्रसंग इक चल रहा है भी जे मित्र दी
जिहड़ा विछड़ चुकिया जिहनूं मिलना चाहुंदा है उहदे चेहरे की पहचान है तैनूं। जे उहीं हरेके कह दे मैं भी रब हां, साडा दिल टुट जूगा। तुहानूं सियाण किसे ने कराई है या तुहाडे अंदर अनुभव ये अवस्था बन गई कि मैनूं इस सरूप विच दर्शन दिओ। स्वाद फिर है, फिर लख चेहरा देख लई, एक तुहाडा बच्चा एक मेले विच गुम हो जांदा है, उहनूं जाणदे हो। बाकी मेला भी भरिया, वह किसी के पुत्र ने, वह तेरे नहीं, पर तू प्यार उन्हां नाल नहीं करदा। तेरा एक एक नूं टो टो के कल्ले कल्ले नूं माला दे मणके फेर के ऐं देख, नहीं 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 नहीं, जदों मूहरे मिल गया उन्हूं भज के ऐं गल ला लवेंगा। तैनूं सियाण है ते जिहड़ा तू खोया होया है, किस कौन खोया सी, किहनूं लभदा, किनूं हाक मारे, किथे क्या, कौन खोया सी, किनूं टोलदा है, किनूं टोलदा है, आपे हाक मारे आपे बोलदा है, आपे ही आवाजां देई जाने, जिहड़ा आवाज दिंदा वह तू ही है, तू ही लुकिया छिपिया सी, कौन लुकिया सी, किनूं टोलदा है, आपे हाक मारे आपे बोलदा है, मैं वही हाँ। हुण हो सकदा वह ना हुंदा, तैथों कराउणा की आ कबीर जी ने, कबीर जी दे बड़े कम कीते, पर मैं वही हाँ जिहनूं मिलन चलिया, आगे मिलिया खुदाई तो, साई मुझसो लर परा तुझे किन फुरमाई गाए, तैनूं किने कह दिता भी मैं रब मक्के दा कैदी हाँ, किते मैं किने कह दिता भी उत्थे भेटा दई तू कोई गए गऊ दी, क्यों तुर पिया, मैं होर नहीं कोई, तैनूं कि तैनूं किने कहता भी मैं मक्के च रहना, होर किसी ने, मैं तो सर्व व्यापक हाँ, घट घट विच रहन वाला मैं ही हाँ। सवै घट राम बोला उत्थे नारा ला दिता, सवै घट राम बोला जिवें नामदेव जी, मैं सर्व व्यापक हाँ, रब किते नहीं गया होया, किते नहीं लुकिया छिपिया, बस प्राप्ति का अगे ज्ञानानंद अवस्था तो बाद ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड पहुँच गए हैं ना, पहुँच के अच्छा किस बात असी इतने पहुँचे क्यों हाँ, इन्हें सोचो कि लभना है तो किनू मिलना आए हो, कि चाहते हो, यह अवस्था है। अगे सचखंड जेडे मिले सी निरंकार दे देश का एक सरूप होए हुए जगत गुरु नानक साहब जिन्हें क्या सचखंड, जिते कर्मखंड सी, शर्मखंड सी, धर्मखंड सी, ज्ञानखंड सी, अगे सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। ए फकीर लोग, साधु लोग, संत लोग, गुरसिख, परमहंस, जो भी असी एक ब्रह्म दे एक रब दे उपाशक हाँ, आपदे धर्म की गल करते जाओ, अपने नितनेम की गल, कर्म की गल, शर्म धर्म की गल, तो शर्म धर्म कर्म नेम वर्त पूजा पांच नियमां वरियां विचों तेरा धर्म है कि तू करदा की है, इस धर्म का कर्म कोई है, खेती बीज लई की कर्म करदा है, तेरा नियमां वाली कोई बनी हुई भी है, जिहड़ा नितनेम नहीं करदा उहदे पल्ले कख नहीं, इक जिवें कहिंदे चुल्हे की सुआह भी नहीं उहदे पल्ले है, जिहदा धर्म ही नहीं कोई, कर्म ही नहीं करता, अनमृत वेले का जागना नहीं, इशनान नहीं, नितनेम नहीं, अपने गुरु की याद विच नहीं है, वो पले कख भी नहीं है, बस धरती ते बोझ है ते पोए पार थीए। पर ये गल रब दे बंदियां दी गल, रब दे बंदियां नूं रब जाणीए दा रूप विच को भाई, इस गल दा शरीयत लोगों तो मैं शुरू करके धर्म की कर्म की गल कुछ अज विचार, शरीयत तरीकत हकीकत मारफती आखिर मंजिल मकसूद चढ़ जाते, वो मरनो जमना कर दे ना। मेरी वस्तु आप दी लिखी हुई है, ये तो मैं एक ही पंक्ति है जी ये बोलिया, उन्होंने फिर आना जाना नहीं, जिहड़ा सचखंड दे मालक दा इउं समझो दरवाजा मल लवे, उहदे दीदार हो जाण, उन्हों आना जाना, आवागमन जिसनों के है, पव सागर जिसनों के है, उहदे वास्ते कुछ नहीं है, उन्हें सब खत्म कर दिते हैं,
तो ऐसे रब दे फकीरां दी गल आप सुनते जा रहे सी कि रब भी आके मिलया है, मक्का आके मिलया रहवन, क्या कमाल दी गल सी कि एक राज कराने दी लड़की जिसका जीवन, क्योंकि हुण मैं समा पूरा काफ़ी हो चुके है, थोड़े समय च बहुत ही गल करनी, तो रैवा ने भी यही आवाज़ उहदा इम्तिहान हो रहा है। उसनु एक बादशाह ने राज धर्म माता बना के पिछला हिस्सा हुण मैं सारा छड़ दिता, तुसी बहुत सुनिया भी है। एक गुआंढी ने उसके पिता ते हमला कर दिता, उसनु गलीम कहिंदे, गलीम चढ़ के आ गया, तो उसके राज महल खजाने उन मालन मालन की बजाय दासी गोली, मालन तो हार पैन आँदी है, चलो दासी आँदी है, ठाकर दी गल ते दासियां दी गल, वो दासी चुक के लै गई, मैं इस घराने का ये माँ प्यो का ये खजाने का मैं खर्चा मिलता सी, इहदा अन्न पानी मैं छकदी सी, हराम नहीं करना हलाल करा। गुआंढी राज विच लै जांदी है, उत्थे जाके किसी फकीर दे तकीए, तकीआ कहिंदे फकीरां के रहने का टिकाणा, डेरा कह दिओ, स्थान कह दिओ, धर्म स्थान कह दिओ, फलाने संतां दा डेरा है, सलामत विच तकीआ कहा जांदा है फकीरां दा। वह कुछ उत्थे ठहरी, एक झोंपड़ी बना ली, फिर आपका रुजगार करया करे, आपदे वास्ते भी कुछ रैवां नूं पालदी गई। रैवां फिर भी राज घराने दा नूर सी, कोई राजे महाराजां दीआं धी पुत्र संतानां दा कितना साढ़े गरीबां नालों फर्क रह जांदा है। और वो लोग अमीर तवेसी जब जौवन अवस्था आ गई, मन बेईमान हो गया, एक तो फकीर दे साधु दे तकीए कोल, दूजा रब की बंदगी महात्मा दे कोल रह के करनी, तीसरा पालना हुई राज कराने दी युवा अवस्था विच, पर जौवन अवस्था है मन बेईमान, ईमान तो बे लग गई, कोई नुकता लगे है, बेईमान हो गया, क्यों ना इहदा हुण किहड़ा माँ प्यो उड़ीकदा, भैण भाई इहदा कोई नहीं, इहदी कीमत कित्थे पऊगी, बेसवा दे जाके बेच दित्ती, गल खत्म हो गई। बाकी उत्थे मुल पिया कोई 500 मोहर कह दिओ तुसीं, 500 विच अचानक एक युवराज बेसवा ने उसने चुवारे ते बिठा दिता, तो अज पहला दिन है। कुदरती एक गुआंढी राजां दा महाराजां दा एक युवराज राजकुमार राजकमर अपने शहर करदा करदा उत्थे आ गया, और बड़े कोई हास रस नाच रस साधक शिंगार रस विखे रस ऐ पालन पालने, तो उत्थे बेसवा दा कर, उन्हें बेसवा ने कहा चल उत्ते चल, तू वो तो दमड़े लै ले जाके, जदों देखिया रैवा ने उहदा शरीर कंबण लग्या, पर उन्हें तकिया आपदे जिहड़े महापुरशां कोल पली सी, उन्हां महात्मा तो उपदेश सुनिया सी, वह छिन मपल अखी मिट, जिवें द्रोपता दे अखी भगवान याद आया आखिर पत लेंदी नूं, उन्हें उस फकीर का सरूप फोटो कह दें तस्वीर मूर्ति रूप, तो उपदेश जो सुनिया सी है जिवें तलवार मार दईए जिंदगी, कि उत्थे मैं वक्त कट्टिया, वह कहिंदे सी परमात्मा रखिया करदा है, परमात्मा रखिया करदा है, हजूर भी कहा तिथे तू समरथ जिथे कोई ना है उथे तेरी रख, सिर दे उत्ते जिन्हां दे पूरा गुरु खड़ा होवे तो मेरी रखिया करो, मेरी रखिया करो, आवाज़ हा हा करके रैवां दे रही है, मेरी रखिया करो, मैनू बचा लो, मेरा सत कायम रहे। इस भावना नाल जदों बोले राज कमर दा शरीर कंबण लग गया, खड़े दई पाप कंबण लग गए, ऐ कंबदे ने, एक अंधेरा है अंधेरी कोठरी, आप चलो दरबार साहिब इधर अंधेरे विच तुरे जाने हैं,
एक लाइट प्रकाश हो जाती है। लाइट वो की करती है, अंधेरे नू खा जाती है। गुरु साहब की बाणी भी पढ़ो सुनो, दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा कर। वेदा दे पाठ इधर गुरबाणी कह दो गुरु वेद रूप, इन्हों के पाठां की जो मत है गुरमत कह दो सौखा जे, अर्थ बोध विचार प्रकाश जिथे हो जाएगा दीवा जग जाएगा उते अंधेर रूप पापा नू खा जाएगा, भाव उते अंधेरा नहीं रहिंदा। बस लाइट इज लाइट, प्रकाश ही प्रकाश होया। उस प्रकाश ने भाव रैवां दे हिरदे का प्रकाश, चेहरे ते नेत्रां दा सुरती दा मन दा बुद्धि दा चित दा असर इतना होया। राजकुमार ने हथ बन ले उहदियां सारियां बुराइयां रैवां दे कोल आ के खत्म हो गईयां, जिवें अंधेरा खत्म हो जांदा है। ये ज्ञान गल्लां नाल नहीं मिलदा, बाज कमाइयां दे पढ़िओ इक तारना वी। ਬਈ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗੋਏ ਬਾਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਈ ਢੂੰਡੀਏ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲੇ ਟੁੰਡੇ। ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਟਰ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਗੱਲ ਖਤਮ, ਫੁੱਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬਿਸ਼ਕ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ ਪਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਠੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲਊਂ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮਿਲੂ, ਪਾਠ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮਿਲੂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਮੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇਵ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਵਨਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜੱਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੂ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਮ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ। ਚੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਸ ਪਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੜਿਆ
दादा गुरदेव बाबा जी ने रोम रोम चो ही आवाज़ शब्द नाम बाणी की आँदी होंगी। बाबा जी कहते जा आके मेरे हथ मारन ए पिटते हल्टी गेड़द पेटी लगी वह बालकिया तरेंगा तारेंगा कहते मेरा रोम रोमे खिड़ जाना उस वक्त ऐ हथ विच की सी जिन्हों के शव बुकल विच आया तरन आए जगन उन्हां दे बुकल च रब जी दे होवे उन्हें पढ़ाइया पढ़ के की लेना है। ये तो दुनियावी लोग हाँ सी समझण की गल इक्को ही अखर बहुत है रहबा ने इन्ना बस एक रब की बंदगी वाले ने दर्शन करके मलब के पवन दो शब्द रूप स्पर्श रस ये तो जिमें कोरा जमया बाबा जी ने कई दफा देखिया बाहर ही बैठे रहना कोरा उत्ते क्यों भाई बलवंत सिंह देख रहे हैं ऐ पे ऐ सिर देना गर्न गर्न उन्हूं कहिंदे ने अखी देखे हाल देखे हुए ने कोई परवाह नहीं बेपरवाह सदा रंग हर के अज उन्हां दियां तां उस वेले जौंदियां दियां ही सुखणा बार आउंदियां हुंदियां सी कमाई इतनी इतनी कमाई दे मालक तो कमाइयां वालियां तो बिना यह सोझी भी नहीं पैंदी फरीदा इक नानू सब सोझी आई एक फिरदे बेपरवाह अपने आप ही अपनी मन की मत विच तुरे फिरदे ने खुला ही पानी छड्या हुंदा वो मार है जिमें रौ वगदा रौ दा पानी ऐ फसलां नूं खास फायदा नहीं दिंदा सगा हड़ा के लै जांदा है। ये रौ दा पानी है जिहड़ा अपनी मन की मत नाल तुरिया फिरदा है मन हट कर्म करदा है। ये रौ दे पानी तो लोग भी असीं भी डरदे आ खबर है कहा जाऊ ग्रंथी पता नहीं पाठी कहा जाऊगा ये धी भैन दा सांझी है कि नहीं ये जिन्हों जान पछाण नहीं ये रौ दा पानी है ये रौ दे पानी तो डर लगता है लोगों को रौ आ गया रौ आ गया एक रौ राजा आ गया एक रौ पानी का वहन आ गया हड़ आ गया उत्थे हड़ आ गया उत्थे आ गया किन्नियां नूं लपेट के ही नाल लै जांदा है बाहर देखते हो किन्ने हड़ आए ने उन्हें तारिया तो नहीं कोई डोबे ही ने सारे डोब के लै गया किधरे दी किधरे लै गया तारे ने गुरु नानक बाबे तारे ने तारे गने जात तेरे तारे गने जात ना खैम आओ जी कमाई थी गल रहबा बैठी सी उन्हों खड़े नू मना लिया महापुरख कमाई वाले महापापी तो पापी उन्हों भी सामने खड़ा होवे वो तो आना आना मना लेंदे ऐ समझ लो चोरी की है कि नहीं की और कुछ बदमाशी की है बुरियाई की है थर थर कंबण लग जाता है थर थर कंबण लग जाता मैं बोलना उसते हथ जोड़ ले ऐ खुदा दी बंदगी वाली ऐ शहजादी मेरी तो अज तो धर्म मां हो गई उत्थे रहबा ने यह सोचा जरूर सी एक धारना रहबा की भी पढ़ लो मैं कित्थे जम्मी पली मेरा की हाल होया अज मैनु बेसवा दे दरवाजे ते बिठाया गया है जिस दी सुनी गई खुदा दुआ मंजूर करता है बड़ी मुश्किल से मुश्किल तो ये है ये करनी ही मुश्किल है कीता कर्म कमाया जिंदड़िए मेरिए कीता कर्म कमाया जिंदड़िए मेरिए कर्म कमाया शरीरा मेरिया कीता कर्म कमाया शरीरा मेरिया कीता कर्म कमा लिया शरीरा कीते कर्म कमाया कीते कर्म कमाए कीते कर्म कमाया कीते कर्म कमाया
कीते कर्म कमाया, कीते कर्म कमाया, कीते कर्म कमाया श्री राम मेरिया की। रज के ऐसे गुरु अमरदास के श्री राम मेरे जन्म है क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद से अपने आप नो खड़े ही मन गया राजकुमार आ धर्म माता तेनू इथे क्यों अपनी हकीकत दस दी थोड़े समय चंद शब्दों में गल आखिर मेरे पिता नाल हुई मैनू मेरी दासी साढ़े घर गोली सी चुक लिया ही पालिया मैं एक फकीर दे तकीये विच नेड़े उन्होंने कुटिया छोटी जी देती चौंपड़ी उत्थे पल गई उन्हें बेईमान हो के मैनू बेच दिता विश्वा दे अकल दी गल है दो दिन लंघे ने अज मैनू उत्ते बिठा दिता गाहकां नू तू संभाल ली विश्वा दे गाहक कहिंदे बस किन्ने पैसे ले कहिंदे हेठां पुछ लो 500 मोहर है 500 दामड़े पिछले राजकुमार आज अमीर लोग हूँ कि नहीं तुसी बैंकों के चैक भी को चको ये चैक फड़ा दे इधर होंगी हुई है हाँ चक ऐसे मेरे को प्रमाण बहुत ने अमीर लोगों के धन दे दुनियावी धन दे बहुत ने प्रमाण राजे महाराजा तक ने प्रमाण तो आ चुक उठा दे आओ चलिए अपने असवारी दे असवार करा के उस रैबा अपने राज विच लै गए मेलां विच थां दिता धर्म माता हुण तू की चाहुंदी है मैं बंदगी करनी मैं खुदा दी बंदगी करनी मैनू फकीरां दे कोलों उपदेश मिलिया होया है अच्छा लै तैनूं कुटिया महल दासियां खर्चा खेचल जो कुछ है मेरे को मिलू मैं तैनू धर्म माता बना चुकिया इसका निर्णय रैवा जाने राजकुमार जाने अज समझ रहे हो आप तुसी भी जानो इस गल नूं कुछ हाँ कुछ समा बीतिया फिर एक दिन पूछा दुख सुख हफ्ते महीने बाद पुछता रहिंदा सी हर पक्ष तो पुछता रहिंदा सेवा विच अरदल विच हाजर हुंदा राजकुमार ऐ धर्म माता तेरी कोई इच्छा है हाँ इच्छा एक है की है दिल चाहुंदा है फकीरां दा उपदेश कि खुदा दा कर्म कह मैं केरा एक दफा हज करे आवां जी असीं कहा तीर्थां नूं जाओ तीर्थां ते खर्चा दे देना माता पिता तो घर तो माई लोग अपने खावन तो आप खर्चा कर लैन किन्नी लोड़ है कुदरती अचानक मक्के दे हाजियां दा एक टोला आ गया उन्हां नाल उन्हां नूं रोकिया गया किथे चलो मक्के नूं चलिया आ मेरी धर्म माता नूं भी नाल लै जो कोई गोलियां एक दो दे दित्तियां सेवक दे दित्ते खर्चा दे दित्ता तोर दित्ते ने गल मुकाओ उन्हें पंज नवाजां वक्त पंज नवाजां वक्त पंज पंजा पंजे नौ वाली गल पंज नवाजा की पहला हक हलाल दोए तीजा खैर खुदाए चौथी नियत रासमन पंजवीं सिफत सुनाए कलमा पिस्ता कहता मुसलमान सदाए वो सिख नहीं जिहड़ा पंज बाणियां नहीं पढ़दा मरजे वो सिख जिहदा गुरु नाल प्यार नहीं मरे वो धी जिहड़ी कुल नूं कलंक ला दे मरे वो सिख मर जावे उदों दिखावे दा सिख जिहड़ा पंज बाणियां ने वो पंज नवाजा पढ़दे ने नवाजी लोग मर जावे वो सिख मैं कहना दिखावेदा उन्हें दरगाह च फेल होना पऊगा तो गल नवाजा पढ़ दे समा हो जाना साथिया ने ठहर जाना तो नेड़े मंजिल तय कर दे सटको दी मैं गल कर रहा सी रहवा नवाज पढ़न लगी वो साथी अगे नूं तुरे जाते ने वक्त नवेड़ हाँ बाट नवेड़ लईए वक्त ज्यादे हो गया रहवा ने अपनी नवाज राह छड़ के एक पासे शुरू कर दी नवाज पढ़ दी
नमाज पढ़ के खुदा की बंदगी करने वाली जो मन विच सी उमंग की उस तो बाद तुरन लगी। तुरद्या अचानक इम्तिहान कैसा होंदा है, एक कूकरी दे बच्चे कतूरे मतलब दो चार इधरों आए, कोई रहबां दी इधरों पैर पकड़े, कोई वस्त्र पहने हुए पकड़े पैरां दे तलियां दे उत्ते नाल लगवें गिट्टे कोलों, रहबां दी चुन्नी भी लटकदी है जिवें बुरका लिया लम्मी चादर है, कोई चादर खिंचदा कोई वस्त्र खिंचदा है, रहबां सोचदी है की कर रहे ने, कोई तोड़ तोड़ खिंच के एक कूआ सी खूह वालों खिंचते ने मोड़ते ने, रहबां सोचदी है मैं साथियों नाल मिलना, मेरे साथी अगे लंघ गए पर एक ही मेरे नाल हो रहा है, चलो इन्हां दी भी आवाज़ सुनो। वो कुकर कोई एक मूहरे तुर पैंदा है, कूका मारदे ने, कोई लड़ पकड़दा है, रहबां खूह वल नूं तुर पई। ओहो सोचिया रहबां ने इन्हां नूं प्यास लगी होगी, खूह ते कोई टिंडा नहीं सी, माल नहीं सी, कोई डोल नहीं सी, कोई बाल्टी लज नहीं सी, कोई साधन नहीं सी। सियाणे बजुर्ग क्या करदे सी पिता जी दे समय दे, क्यों एक जैलदार दा तमोट वाले दा खूह हुंदा जदों आउंदे पुली तो रे नूं, हुण तां पुल भी दो लगे पए ने, एक बिचाले लटकदा उत्थों दी आया मैं, उहदा खूह सी जैलदार दा, कितनियां लड़कियां तों वध लड़का होया उत्थे कोई माण ना, कई दफ़ा मिर्ग विच गिर जांदे, हिरन सहे खरगोश, कोई माल ना, कोई बैड ना, कोई टिंडा ना, कोई पानी दा साधन ना। बजुर्गां ने कहना क्या रोही दा खूहा ना पुन ना पाप, की फायदा खूह लाए दा जे पानी नहीं दिंदा, किसी दे मुख विच नहीं पैंदा, किसी दा कम नहीं संवरदा, वह खूह लाए दा भी कोई फायदा नहीं है। रहबां ने देखिया पानी तो है, फिर सोचिया साधन की कीता जाए, एक दो बिरश देखे उन्हां दे टाणियां तोड़ लिया, आम कटदे हैं बढ़दे हैं, साधन कीता क्योंकि उहदे साथी अगे लंघ चुके सी, नहीं वह भी मदद कर देंदे। रहबां ने टाणे टाणियां टाणा तोड़ के एक फिर कहन लगी मैं हुण डोल किवें बणावां, उन्हें आप दे केस पुटने शुरू कर ले, उहदी लड़ी बनाई। लाले लाली दी कथा ऐसे ही आउंदी है, आप नूं फिर सुनाया जाऊ। केस पुट के जब सब को बिक लिया सी, गुरु नानक साहब जी ने 500 रुपया मंगया सी उस वेले, साढ़े लोग नहीं असी तो समझ ही नहीं सकते कि जे 500 पेटा रखेगा तो तेरे घर चरण पावांगे, ये इम्तिहान सी। गुरु नानक कोई रुपया पैसों का भुखा नहीं सी, वो तो जगत नूं छका रहे सी, जगत नूं दातां दिंदे ने, किवें फेल ते किवें पास होना, जिहड़ा पढ़दा नहीं उहदा इम्तिहान नहीं हुंदा, जिहड़ा भगत नहीं रब की भगती करन वाला नहीं उहते भी इहियां सखताइयां आउंदियां ही नहीं, वो पाप पाप करेंदड़ सर पर मुटे, वो तो सब पापी कहिंदा पाप ही करी जाणा, देखी जाऊ जी की लैणा। रहबां ने सारे केस पुट के एक डोर बना ली, हुण पानी किवें कढ़ा, आपदे सिर ते जिहड़ी चादर लई है आम चुन्नी कह दिंदे आ, सोहणी चादर सी बड़ी तकड़ी, राज घराणे विच उसनूं समां मिल गया सी, जम्मी भी राज घराणे चों, अज राज कंवर ने किवें तोरिया, उहने आपदी उह चादर उतार के उहदा बाल्टी वाला कम लैणा, उस तों चिंगा ला तां लाइया बजन के ये डुब जावे, क्यों रोइया च रहे हैं मैं भी रहा, पता है ये प्रैक्टिकली है, पानी किवें कढ़ना, किवें मिलेगा पानी, माल नहीं कम दिंदी, टिंडा नहीं तो कोई डोरी होगी। फिर उन्हें चादर अपनी बाल्टी दे थां वो केसा की डोरी बना ली, डोर बना के उहदे नाल अपनी वो चादर चुन्नी रू बड़ी शाही है उन्होंने डुबोया पानी च,
डबो जदों भिज गई चा क्योंकि नाल चिंग सी ये भजन हुंदा है कोई इट बन लैंदा ये साधन ने जिन्हें किते नहीं अज कहो अज तो नौजवान ये तो मखौल करन गया बच्चे कल दे जम्मे हुए भी ये की ये पता लगता है जिन्हां ते वक्त पैंदे हुंदे ने बाह पिया जानीए जां राह पिया जानीए गल्लां सुन दे अज कथा कैसी बनी हुई है ऐ अपनी चादर चुनी प्यों ली डुब गई जदों भिज गई जल्दी जल्दी खिचे वो पानी फिर कूकरां दे मुख विच पाउणा शुरू कर दिता रहबान ने सब नूं तृप्त कर दिता उन्हां दी प्यास बुझा दित्ती जलन बुझी शीतल पयो मनुआ शीतल तन मन छाती किन्नी ठंड आई किन्नी ठंड आई आतिश दुनिया एवें जिवें आतिश अग दुनिया की है अग का रूप थोनू मिलूगी खुनक नाम खुदा खुनक ठंडा है तो खुदा का नाम ही ठंडा है आ किन्ना जल अमृत बाणी अम्यो रस तो जल सारे कूकर बच्चों कूकरी उन्होंने छका दिता तृप्त होए और रहबा फिर की उत तुरदी है कहती जाना की सी इन्हों फिर पानी पिया दे उत्थे ही बैठ गई फिर क्या कमाल होया मक्का 60 कोस सी उस स्थान तो हजरत मुहम्मद साहब भी कुदरती उत्थे मक्के खड़े ने उधर मक्के खड़े ने मक्का चल के रहबा दे कोल आ गया दया वाले कम करिए मक्का चल के रहबा दे कोल आ गया जे दया वाले मक्का चल के रहबा दे कोल आ गया दया वाले ਵੇ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਓ ਮੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਰਵਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਰਵਾਂਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ कमाल सी सिर की शोभ उतार के महापुरख लिखते ने शोभा केसा नाल भी ते चादर नाल भी दोए अर्थ कट्ठे कर लो सिर की शोभ उतार के चीन्यो आत्म राम चीन्यो नाम जान लिया ये रब दे बच्चे ने रब दे बंदे ने की चाहते ने मैं ये कूकरां कुत्तियां कूकरां नू बच्चियां नू जल नहीं छकाउंदी मैं तो रब नूं जल छका रही हूं ये रब किसे रूप विच आ गया चीन्यो आत्म राम जान लिया ये आत्मा राम राम है आत्म सब आत्म राम पसारा है जान लिया राम सो चीन्यो आत्म राम 60 कोस मक्का फिरियो देख दया के काम तो रब भी आ जांदा अगे हजरत मुहम्मद साहब खड़ा तकदा ही रह गया मक्का किथे गया ध्यान टकाया मरीद नाल ने कहन लगे मक्का तां एक भगतनी ने खिंच लिया प्यार नाल बोलो लो इन्ने समय नूं स्वीकार करना गुरु सूत्र पढ़ो साथ दियो लाभ उठाओ भले समय दी उमंग करो सब दा फला मंगो तन है धन है गुरु नानक साहिब धन है धन है
साहेब की दन है धन 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 अर्जुन साहेब जी धन 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 है श्री हर गोविंद साहेब धन है गोविंद साहेब धन धन में धन में धन है श्री हर राय साहेब धन है
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਕਹਟਲ ਗੁਰਸੇਵ ਅਹਨਿਸ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀਐ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਹੋਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰਹੈਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੁਝੈ ਧਿਆਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।